सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि कितनी सूचनाएं हैं और किससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, हमें जाना है नीचे। जैसे आप लोग देख रहे हो, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CBT। तो दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करना है और देख लेना है कि कौन सी सूचनाएं अभी आई है जो लेटेस्ट अभी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो टोटल यहाँ 2 नोटिफिकेशन जो आया है अभी, और ये दोस्तों लेटेस्ट है, 24 तारीख के डेट में रेलवे ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका थर्ड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ गया है। और उसके बाद दोस्तों, जो आप लोगों को पता है कि 23 दिसंबर के डेट MD कैंडिडेट्स वालों को एक सूचना आई थी कि जितने MD कैंडिडेट जो अप्लाई नहीं कर पाए थे MD कैटेगरी के अंतर्गत और दूसरे कैटेगरी में अप्लाई किए थे, तो रेलवे उन लोगों को एक मौका दे रहा है कि आप लोग सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जाइए। और अपना अगर आप MD कैंडिडेट्स की बिलोंग करते हो, यानी एक से अधिक दिव्यांगता आपके पास है, तो आपके पास अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और आप लोगों को रेलवे में ज्वाइनिंग हुआ। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका देख लेते हैं थर्ड जो स्टेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, तो नोटिस में क्या लिखी है और किन किन बातों को ध्यान रखना है तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे MD कैंडिडेट के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आई है तो उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट को डाउनलोड करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो पहला नोटिफिकेशन, थर्ड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PWD कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हो थर्ड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल 19 PWD को बुलाया गया था, जिसमें ILD के 1, BI का 1 और HI के 17 कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 19 तारीख के डेट में, यानी 19 दिसंबर को, जिसमें से दोस्तों 15 PWD कैंडिडेट, जिसमें VI 1, HI का 14, इतने सारे कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए थे। ठीक है, तो दोस्तों रेलवे इन 15 कैंडिडेट जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इन लोग को एक दोबारा मौका दे रहा है। ये दोस्तों आपका एक अंतिम मौका होगा, तो आप लोग इस मौके का फायदा जरूर से जरूर उठा लीजिए। आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 5/2/2020, यानी 5 फरवरी 2020 को होगा। और कहाँ होगा तो यहाँ देख लीजिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे, ग्रांट रोड, मुंबई। तो यहाँ पर आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों, आपको अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ सही रहा तो आप लोगों का मेडिकल भी साथ ही साथ हो जाएगा, जिसके लिए 3 से 4 दिन का समय आपको लग सकता है। तो उस तरह से आप लोग तैयारी होकर जाइए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, मेडिकल करा लीजिए और आगे का ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। तो ये दोस्तों सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आपका 15 कैंडिडेट को दोबारा जो मौका दिया उसके लिए। और उसके बाद दोस्तों, आप देख लेते हैं अगला नोटिफिकेशन जो MD कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में हर सारे जोन में ये सूचना आ चुकी है कि जो कैंडिडेट MD कैटेगरी बिलोंग करते हैं, तो आप लोग पास अगर सर्टिफिकेट है MD का, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका RRB अहमदाबाद ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, कितने MD कैंडिडेट्स को मौका मिला है फर्स्ट लिस्ट में, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल, फोर्थ स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PWD अंडर मल्टी डिसेबिलिटी कैंडिडेट। सो फ्रेंड्स, ये 23 तारीख का डेट में आप लोगों को जैसे पता है कि 23/12/2019 के डेट में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ चुकी थी सारे जोन में, तो उसके अंतर्गत आप लोग बता देना चाहते हैं कि जैसे आप जितने कैंडिडेट जो MD कैटेगरी बिलोंग करते हैं, तो वो लोग को रेलवे मौका दे रही है। तो फर्स्ट स्टेज यानी MD वालों के लिए फर्स्ट स्टेज और टोटल PWD करने के लिए आपका चौथा स्टेज हो गया। तो चौथे स्टेज में दोस्तों 24 दिव्यांगजन, देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है 24 कैंडिडेट आर फाउंड टू बी एलिजिबल फॉर कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर PWD मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो दोस्तों RRB अहमदाबाद में दोस्तों 14 कैंडिडेट जो MD कैटेगरी में आते हैं, तो उन लोग को मौका दे रहा है। और आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 5 फरवरी 2020 को, कहाँ होगा तो RRC के ऑफिस में, ग्रांट रोड, मुंबई। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग को इस लिंक पे क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कॉल लेटर है वो आप लोग वेबसाइट में ही आएगा। तो आप वेबसाइट में जैसे ही आएगा, आप लोग अपना रोल नंबर और या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड डाल के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयारी होके 5 तारीख का डेट में आप लोग वहां पहुंच जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, सुबह 9 बजे तक पहुंच जाइएगा।
और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया गया है कि 3 से 4 दिन का समय आपको लग सकता है, तो आप लोग उस तरह से अपना रहने का खाने का आप लोगों को ध्यान रखना होगा और अपने तरफ से सारा खर्च वहन करना होगा। रेलवे फिलहाल अभी आपके लिए कुछ नहीं करेगा वैसा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को सारा कुछ ले जाना है और ये प्योरली प्रोविजनल, मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा तो आपका जॉब कन्फर्म हो गया। सो यहाँ तक ये भी मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों आप सबसे लास्ट में आप देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट है, तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों कैंडिडेट का रोल नंबर है 24 कैंडिडेट को सिलेक्शन हुआ है, टोटल आपका 24 कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट का रोल नंबर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग करना क्या है कि आप लोग पहले आप ये 24 रोल नंबर आप देख रहे हो तो आप रोल नंबर से मिलान कर लो कि अगर आपका रोल नंबर है या नहीं है। अगर है तो दोस्तों आप लोग कमेंट में मुझे रिप्लाई जरूर करना कि मेरा हो गया है, इसमें मेरा लिस्ट में रोल नंबर अभी मौजूद है। तो दोस्तों जिनका रोल नंबर यहाँ मौजूद है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उन कैंडिडेट को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई और आप लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करवाइए और ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। सो फ्रेंड्स यही सूचना थी अभी तक के लिए, और दोस्तों अगली सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर पल पल की अपडेट, पल पल की जो भी नोटिस है, जो भी सूचना है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।